हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हर्ष पटेल और आज के वीडियो अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एलएस प्रोसेस या लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि आखिर लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, उससे रिलेटेड किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने डिस्कस भी किया था कि यार इस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इस तरह से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आखिर इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो किस किस तरह से बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसमें, उस न्यूमेरिकल किस तरह से बेसिकली सॉल्व करें। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ एग्ज़ाम इसको पहले स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ, जनरिक न्यूमेरिकल जो बनता है वो किस तरह से बनता है, ओवरऑल मैं सिंपल आइडिया देता हूँ आपको। जैसे कोई हार्ड वाटर दिया रहेगा, ठीक है, जैसे 10,000 लीटर हार्ड वाटर है अपने पास। ठीक है, तो उसमें पूछेंगे कि इतना अपने पास हार्ड वाटर है तो उसमें से हार्ड वाटर में से उसको सॉफ्ट बनाने के लिए कितना लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ अपन को ये वाले न्यूमेरिकल्स में बतानी पड़ती है। ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया? ठीक है, और आइडिया समझने के बाद सिंपली ये है कि मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोर करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं फार्मूला जो है उसमें रिक्वायर्ड होने वाला फार्मूला जो है उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जानता हूँ आप बोर होंगे, पर अगर आप वो फार्मूला थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब समझने के बाद जब अपन उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत से क्लियर हो रहा होगा, और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं तो आप आराम से उसको बना लेंगे। ठीक है, तो वही चाहूँगा कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना। स्टार्टिंग में बोरियत लगेगी, पर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अटैम्प्ट करने में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आखिर लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला सिंपली यही है कि 74/100, ठीक है, उसके बाद टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस प्लस 2 × टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट मैग्नीशियम आयरन एल्यूमिनियम हार्डनेस, ठीक है, उसके बाद CO2 अगर वैल्यू दी है, या फिर H+ HCl H2SO4, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaAlO2, ठीक है, OH, ये सारी की जो वैल्यू है इसको क्या करना है, इन सारी के वैल्यू को ऑल इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट। अब ये CO3 इक्विवेलेंट क्या है, अपन ने जब अपन हार्डनेस टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर इनमें से जो भी बच्चा हो जिसने अपन का यूनिट 1 नहीं पढ़ा तो आप पहले उसको पढ़िए, क्योंकि उसके बाद ये वाटर सॉफ्टनिंग समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, जब अपन हार्डनेस जानेंगे, वाटर क्या होता है वो जानेंगे, उसके बाद ही जब क्या हार्ड वाटर किस तरह सॉफ्ट करते हैं अपन उसके मेथड्स को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो उसके लिए अपन को फर्स्ट यूनिट पढ़ना है, अगर नहीं भी पढ़ा हो ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सिंपली आप करना है हार्डनेस और वाटर का जो मैंने न्यूमेरिकल पार्ट करवाया था आप जाके वो वाली देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आराम से क्लियर हो रहा होगा। उसमें मैंने बताया है कि जो भी अपने आयन दिए, जैसे अगर टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस सिंपली क्या कहना चाह रहा है, टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस कहना चाह रहा है CO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अपन क्या कहते हैं, टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस। ठीक है, तो सिंपली अगर इसकी वैल्यू दी रही तो उसको अपन को बताना है, और ऑल इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट मतलब इसकी अगर कोई भी वैल्यू दी रही, इसका वेट दिया रहेगा, उसको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इंटू करना है, जिसके बाद क्या है अपना जो है ये, ठीक है, ये किस में बन जाएगा, CO3 इक्विवेलेंट के टर्म में। ठीक है, तो आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे अपन को चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इतना पार्ट अपन को समझ में आ गया। ठीक है, ये जो भी वैल्यू रही, अगर ये नहीं दी है, जैसे टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस अपन को क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सिंपली इसको छोड़ना है, टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस अपन को नहीं दिया है इसको छोड़ना है, परमानेंट हार्डनेस दिया है तो इसकी वैल्यू लिख देनी है, बाकी नीचे कुछ नहीं दिया इसको छोड़ देना है। ठीक है, जो इनमें से दिया रहेगा उसको अपन को लिख लेना है, पर क्या करना है उससे पहले उनको किस में करना है, CO3 इक्विवेलेंट की टर्म में। इतना चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, उसके बाद इसको इंटू कर देना है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, जो भी क्वेश्चन में अपन को वाटर का वॉल्यूम दिया रहेगा। ठीक है, अगर अपन को दिया रहता है कि लाइम की प्योरिटी इतनी है तो वो उसको इसकी जगह पे लिख देना, वरना इसको सिंपली छोड़ देना है, और इंटू 1/10^6 से क्यों करना है इंटू, क्योंकि अगर जो आंसर आता है अपना वो मिलीग्राम के टर्म में आएगा। ठीक है, मिलीग्राम के टर्म में बड़ा हो जाएगा, अगर उसको छोटा करना है तो अपन क्या करेंगे, किलोग्राम में उसको कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए अपन को 1/10^6 से उसका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आई होप सो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जब अपन न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो अब ये बहुत से क्लियर हो गया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर सोडा रिक्वायरमेंट का क्या फॉर्मूला होगा। सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला यही होगा 100/6/100। ठीक है, ये चीज़ लिख देना है, उसके बाद परमानेंट कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एल्यूमिनियम, इसमें से अगर कुछ भी दिया है, जैसे कैल्शियम की बात करें CaSO4, ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें MgSO4, इसमें से अगर वैल्यू दी रही, जैसे
इसमें क्या दिया रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट अपन को दिया रहेगा, ठीक है। तो अपन को इसकी जगह पे उसकी वैल्यू डाल देनी है। उसके बाद प्लस अगर इनमें से कुछ भी दिया रहा है तो ये चीज़ कर देनी है प्लस माइनस करके, और पर जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट, पहले CO3 इक्विवेलेंट में अपन को कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपन इसकी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो भी अपन को वाटर का वॉल्यूम दिया रहेगा। उसके बाद अगर सोडा का प्योरिटी बताई गई कि सोडा में इतनी प्योरिटी है तो वो इसकी जगह पर लिख देनी है। उसके बाद 1/10^6 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मतलब जैसे अगर अपन को मिलीग्राम में जो भी आंसर है उसको कन्वर्ट करने के लिए अपन को किलोग्राम 1/10^6 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप सो। और अगर इस वीडियो अभी तक रुक गए तो बस अब आराम से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो, क्योंकि अब न्यूमेरिकल पे ही बढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा और चीज़ समझ लेते हैं, अगर टेम्प्री कैल्शियम हार्डनेस दिया रहा है तो इससे अपन को समझ जाना है कैल्शियम अगर बाइकार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा या टेम्प्री कैल्शियम हार्डनेस दिया रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें अगर जो क्वेश्चन में दी रहेगी उससे समझ, उसको किस में डालना है टेम्प्री कैल्शियम हार्डनेस की जगह पे, ठीक है। टेम्प्री मैग्नीशियम हार्डनेस की जगह पे ही डालना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और टेम्प्री मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है। ये दिया रहेगा तो अपन को सिंपली टेम्प्री मैग्नीशियम हार्डनेस की जगह पर डाल देना है। उसके बाद परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस की जगह पे CaCl2, CaSO4, CaNO32, ठीक है, और कैल्शियम नॉर्मल कैल्शियम दिया रहा है तो उसको परमानेंट कैल्शियम। इसी तरह से ये बाकी भी दिए हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो। इनको नोट भी कर लेना है ना, जो अपना ये लाइन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम अपना सोडियम रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला है इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है कि अगर ये जो टर्म्स दिए रहेंगे इसके जगह पे अपन को ये चीज़ डालनी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर पता होने चाहिए जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, इफ़ इम्प्योरिटी इज गिव्स एस CO3 एंड MgCO3 दे कंसिडर एस टेम्प्री कैल्शियम और टेम्प्री मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है। अगर एग्जाम में दिया रहे, ठीक है, इम्प्योरिटी दी रहे कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इससे अपन को समझ आना है कि क्या होगा, टेम्प्री कैल्शियम हार्डनेस है या और मैग्नीशियम टेम्प्री मैग्नीशियम हार्डनेस है, ठीक है। सबसे पहला ये पॉइंट है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, सब्सटेंस लाइक KCl, NaCl, ठीक है, ये क्या है अपने सॉल्ट्स हैं, डू नॉट अ पार्ट ऑफ एनी हार्डनेस टू वाटर एंड डू नॉट कंज्यूम एनी लाइम और सोडा, ठीक है। ये क्या है कि अपने उसमें जो भी अपना सॉल्यूशन होगा लाइम रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला होगा या फिर सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होगा उसमें ये चीज़ को अपन को नहीं ऐड करना है। ये चीज़ अगर जो अपने सॉल्यूशन में दी रही, अगर क्वेश्चन में दी रही तो उसको क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, टेम्प्री हार्डनेस गिव्स इट मीन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगर टेम्प्री हार्डनेस दिया रहा है तो इसका मतलब उनको समझ जाना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ कोगुलेंट भी होते हैं, ठीक है, कोगुलेंट मतलब जब हमने लाइम और सोडा पढ़ा था, लाइम LS प्रोसेस को जब पढ़ा था तब हमने कोगुलेंट की बात करी थी, ठीक है। कोगुलेंट जैसे कि Fe SO4 .7H2O, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, वैन ऑल्सो यूज शुड बी ट्रीटेड एज डिजॉल्व आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, ठीक है, एंड देयर अमाउंट एडिड मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडर कैल्शियम लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिंपली ये चीज़ क्या कहनी चाह रही है कि जो भी अपने ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है, इनको भी क्या है अपन लोग एक एडिड उसकी तरह ही लेंगे, जैसे टेम्प्री कैल्शियम हार्डनेस की बात करी थी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करी थी, उसी तरह अपन लोग जो अपने एल्यूमिनियम सल्फेट है या फिर आयरन सल्फेट है इनको भी उसी तरह की तरह देखेंगे, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको आराम से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर जो क्वेश्चन है अपना वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सिंपली अगर एक बार पढ़ेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 liter ऑफ हार्ड वाटर कंटेनिंग MgSO4, ठीक है। सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि जो अपना 50,000 liter हार्ड वाटर है जिसमें क्या है परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस है, मतलब MgSO4 है, ठीक है, उसको सॉफ्ट करने के लिए कितना लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ अपन को सिंपली बतानी है, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपन को लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 74/100, ठीक है। उसके बाद क्या था अपना टेम्प्री कैल्शियम हार्डनेस, ये तो अपन को दी नहीं है, टेम्प्री मैग्नीशियम हार्डनेस ये भी अपन को नहीं दी, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस आयरन और एल्यूमिनियम इसमें से अपन को दिया है परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस दिया है, उसके बाद नीचे की ये सारी चीज़ें भी नहीं दी है, तो सिंपली वही कर लेना है अपन को इसमें भी कि मैग्नीशियम सल्फेट लिख देंगे पर इन टर्म्स ऑफ
CaCO3 इक्वेलेंट, ठीक है, इतना चीज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर की कितनी वॉल्यूम है। उसके बाद 100 अपॉन प्योरिटी, पर इसमें प्योरिटी की बात ही नहीं की गई है तो नहीं करेंगे। बाकी जो अपने पास इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने का वो थोड़ी देर बाद लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, MgSO4 जो दिया है अपने पास सॉल्ट, इसको CO3 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली वही वाला तरीका अपनाता हूँ कि सबसे पहले अपन को एक टेबल फॉर्म कर लेना है। टेबल में क्या लिखना है, सबसे पहले सॉल्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वेट लिखेंगे या फिर अमाउंट लिखेंगे उस सॉल्ट का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है, फिर CO3 इक्वेलेंट, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है अपन आराम से समझ रहे होंगे। सबसे पहले अपन को सॉल्ट लिख देना है। सॉल्ट क्या है, एक ही सॉल्ट दिया हुआ है MgSO4, ठीक है। उसके बाद अमाउंट इसका कितना दिया हुआ है 72 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। PPM को अपन मिलीग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर समझने के लिए आपको हार्डनेस का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट में वो आपको देखना होगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे इसके जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद है। जैसे अगर MgSO4 की बात करें तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, 100/120, ठीक है। तो सिंपली जो CO3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ये क्या कहता है कि वेट जो अमाउंट दिया हुआ है उस सॉल्ट का और उस सॉल्ट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इससे अगर इनटू कर देंगे सिंपली अपना CO3 इक्विवेलेंट निकल आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट का वेट कितना दिया हुआ है, 72, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करें वो कितना दिया हुआ है, 100/120, ठीक है। ये चीज़ ये कैलकुलेशन करने के बाद अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या है, 72 into 100/120, ठीक है। तो अपना क्या निकल गया है, 60 ppm या फिर Mg/L, ठीक है। अपन को निकल आया जो MgSO4 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट की फॉर्म में कितनी है, 60 ppm, ठीक है। तो आप सिंपली लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लगा के जो वैल्यूज़ हैं वो पुटअप करते हैं, 74/100, ठीक है। उसके बाद जो उसकी वैल्यू थी MgSO4 की इन टर्म्स ऑफ CO3 कितनी आई, 60 ppm, ठीक है। तो उसकी जगह लिख देना है 60, ठीक है। उसके बाद इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 50,000 liter, ठीक है। तो सिंपली अपन को 50,000 liter वॉल्यूम डाल देना है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 74/100, ठीक है, क्या आया, 0.74। उसके बाद into 60 into 5000, ठीक है। इसको जब करते हैं 0.74 into 60 into 5000, ठीक है, टोटल जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 22.00, ठीक है। ये अपनी जो है वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। अब सिंपली अगर इस ये किस में निकल के आई, मिलीग्राम में, अगर इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 1000 से जैसे डिवाइड किया, ये 30 से 30 कटा तो अपना 222, ये किस में निकल आया, ग्राम में। इसको अगर और थोड़ा सा सिंपल करना है तो इसको 222 को अपन 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो जो ये वैल्यू है वो किसमें, किलोग्राम में निकल आएगी, ठीक है। ये चीज़ करते हैं 0.222, ठीक है, 0.22 अगर दो वैल्यू तक ले तो ये किलोग्राम में इसकी वैल्यू निकल आई। और यही क्या है इसका आंसर, ये क्या है, सिंपली लाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये अपनी लाइम रिक्वायरमेंट निकल आई है किसकी, जो अपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इतना जो है लाइम अपन को खर्च होने वाला है, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के बाद अब देखते हैं सोडा रिक्वायरमेंट कितनी होगी। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए अपन एक पेज ले लेंगे, ठीक है, सिंपली एक पेज उठा लेंगे, हाँ। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर सोडा रिक्वायरमेंट किस तरह से निकालें, ठीक है। सोडा रिक्वायरमेंट भी सिंपली वही है उसका फॉर्मूला, ठीक है। सोडा रिक्वायरमेंट के अगर फॉर्मूले पर नज़र डालें तो क्या दिया हुआ था, 100/100, 6/100, उसके बाद परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस, मैग्नीशियम हार्डनेस, इसमें से जो भी दिया हो, और इसमें सॉल्ट, अपन को क्या दिया है, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस दिया है। तो सिंपली वही चीज़ लगा लेंगे इसमें भी कि सोडा रिक्वायरमेंट
सोडा रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 6 अपॉन 100 इंटू 60 इंटू अपना जो वाटर दिया हुआ है वो कितना दिया, 5000 लीटर। ठीक है, इसको सिंपली अपन को सॉल्व करना है, क्या आएगा 100 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्या आया 1.06। ठीक है, इंटू 60 इंटू 50,000। ठीक है, 1.06 इंटू 60 इंटू 5000। ठीक है, जो आंसर निकल के आया वो क्या है, ठीक है, अगर ये किस में आया, मिलीग्राम में, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 0 3 0 कैंसिल, ये किस में आ गया, ग्राम में। ठीक है, अगर इस ग्राम को अपन को किस में करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर से 1000 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 1000 से जैसे डिवाइड देंगे तो अपना जो आंसर निकल के आएगा, जो अपना आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0.32 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या है आंसर, और ये है क्या है, सोडा रिक्वायरमेंट, जो अपन को हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इतने सोडा की जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अगर मिलीग्राम में देखें तो वही कितना होगा, 138000 मिलीग्राम। ठीक है, अगर ग्राम में देखें तो 318 ग्राम, अगर किलोग्राम में देखें 0.32 ग्राम। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन को सिंपली क्या करना है कि अपन को क्वेश्चन को बहुत से पढ़ लेना है, क्या क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद अपन लाइम रिक्वायरमेंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे आखिर टेम्प्री हार्डनेस दिया हुआ है नहीं दिया उसको नेगलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेम्प्री मैग्नीशियम हार्डनेस दिया हुआ नहीं दिया उसको नेगलेक्ट करेंगे, उसके बाद परमानेंट मैग्नीशियम या फिर जो भी दिया हुआ। इस क्वेश्चन में सिंपली बस अपन को परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस दिया हुआ। ठीक है, तो सिंपली अपन वही फॉर्मूला लगाएं, 74/100, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये करने के बाद अपन को मैग्नीशियम सल्फेट को CO3 इक्विवेलेंट की टर्म में निकालना था, तो अपन ने ये वाली चीज़ अपनाई है जिसमें सॉल्ट, उसके बाद वेट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उस सॉल्ट का। ठीक है, जिससे अपन का क्या निकल आएगा, CO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे ये निकल के आता है कि इतनी वैल्यू है, उसके बाद डायरेक्ट अपन लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें पुट आउट करेंगे और चीज़ें निकाल लेंगे कितना लाइम रिक्वायरमेंट होगी अगर 50,000 लीटर वाटर में को अपन को सॉफ्ट करना होगा। ठीक है, उसी तरह अपन को सोडा रिक्वायरमेंट भी निकाल लेनी है, उसका भी सिंपली यही फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे जो सोडा की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 0.32 किलोग्राम। ये क्या है, सोडा रिक्वायर्ड इन जो अपना हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। उसके बाद लाइम कितना, 0.22 किलोग्राम। ये क्या है, लाइम, इतना लाइम रिक्वायर्ड होगा अपन को जब अपन 5000 लीटर वाटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सॉफ्ट में। ठीक है, आई होप सो ये वाला न्यूमेरिकल बहुत क्लियर हो गया होगा, इतना आपको नोट कर लेना है, फिर अपन जो एक छोटा सा आगे भी न्यूमेरिकल है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम जिसकी जो प्योरिटी दी है 84%। ठीक है, उसके बाद सोडा जिसकी प्योरिटी जो दी है वो है 92%। ठीक है, ये चीज़ को कहाँ लगाना है, वो चीज़ अपन ने फॉर्मूला में देखी थी, आगे भी देखेंगे। रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट 20,000 लीटर ऑफ वाटर वो एनालिसिस, ये अपने पास को सॉल्ट दिए हुए हैं, इनका यूज़ करके अपन को लाइम और सोडा की जो रिक्वायरमेंट है 20,000 लीटर ऑफ वाटर में वो निकालनी है। ठीक है, सिंपली जो है सबसे पहला जो स्टेप करेंगे अपन क्या करेंगे कि ये जो अपने पास सॉल्ट दिए हुए हैं इनकी क्या निकाल लेंगे अपन लोग, सबसे पहला जो अपन स्टेप करेंगे क्या करेंगे कि जो अपने पास ये सॉल्ट दिए हुए हैं इनके क्या निकालेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे CO3 इक्विवेलेंट में। ठीक है, जिसके बाद अपन डायरेक्ट लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए CO3 इक्विवेलेंट बनाने के लिए अपन को करना है एक टेबल फॉर्म कर लेनी है। ठीक है, टेबल में सिंपली फॉर्म कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, टेबल में सॉल्ट लिखने हैं, उसके बाद उनके अमाउंट्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्ट अमाउंट, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को टेबल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपन को सॉल्ट लिखना है, फिर अमाउंट, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसके बाद निकल आएगा अपना CO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, ये अपन को सीधी लाइन खींच देनी है जैसे अपन एक टेबल फॉर्म कर लें।
ना ये। अब डायरेक्ट सॉल्ट को एक एक करके उतार देना। जैसे सबसे पहला सॉल्ट क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सेकंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। थर्ड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कैल्शियम सल्फेट, फिफ्थ कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद NaCl, ठीक है, जो अपने पास क्या है, ये सॉल्ट, ठीक है। अब एक एक करके इसके जो 2 मिनट, हाँ, इसके जो अपने पास अमाउंट दिए हैं उसको भी लिख लेते हैं। 40, ठीक है। इसके बाद 36.5, 30, फिर 34, 27.75 और लास्ट में 10, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक एक करके सारों के लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरह से निकालने हैं ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका है। उस टाइम पे मैंने बोला भी था कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट अपन को सॉल्व करने के लिए इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इन सारों के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद हैं तो मैं वो एक एक करके इसमें लिख देता हूँ। जैसे अगर सबसे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करें तो क्या लिखा है, 100/162, ठीक है। कैल्शियम किसका, बाइकार्बोनेट का, ठीक है। सेकेंड वाले का क्या है, 100/146, ठीक है। थर्ड वाले का क्या है, 100/120, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाले का 100/136, 100/136, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का क्या है, 100/11, 100/11, ठीक है। जो अपना NaCl है इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलता नहीं है, सॉल्ट है तो इसका ये रैंडम ये भी रहेगा और CH3 इक्विवेलेंट भी इसका नहीं निकलेगा। मतलब इसको क्या करना है, अपन को नेगलेक्ट कर देना है जो अपना ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। जैसे पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने जो लिखा था आपके लिए, जैसे अपन ने जो पॉइंट देखा था इसमें क्या देखा था, सब्सटेंस लाइक जो अपने सॉल्ट्स हैं ये किसी भी इक्वेशन का जो है पार्ट नहीं होते हैं। जब अपन लाइम और सोडा के रिक्वायरमेंट करते हैं उस प्रोसेस के ये पार्ट नहीं होते, तो उसको करना है अपन को नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो वही चीज़ अपन ने इसमें करी है कि जो अपना NaCl है उसको अपन को नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब इन सबको जो है कैलकुलेट करेंगे एक एक करके और सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे CH3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, अपना वेट या फिर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इनटू अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो वही सिंपली कर देना है अपन को, जैसे 40 × 100, 40 × 100 डिवाइडेड बाय 162, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 162, ठीक है। जो भी आंसर आया उसको इनटू कर देना है किससे, 40 से, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, 24.69, ठीक है। उसके बाद ये किस टर्म में आएगा, 24.69 PPM और MG पर मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद जो अपना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू है उसको किस तरह, 36.5 × 100, 100 डिवाइडेड बाय 146 × 36.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 25 PPM और मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। फिर थर्ड अपना मैग्नीशियम सल्फेट, इसका 100/120 जो भी वैल्यू आई उसको इनटू कर देना है 30 से, तो अपना क्या निकल आया, 25 PPM और मिलीग्राम पर लीटर, ये इसका CH3 इक्विवेलेंट निकल आया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आयन जो है अपना कैल्शियम सल्फेट क्या है, 100/136, ठीक है, × 34, ठीक है। इसका भी अपना 25 PPM, ये यार अच्छा है, नॉर्मल सॉल्यूशन, अपन को उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपना कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या है, 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस जो भी आंसर निकला इसको 27.75 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अपना क्या निकल आया, 25 PPM और मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अपन ने जो भी अपने पास सॉल्ट दिए हुए थे उसकी वैल्यूज़ को अपन ने किस में, CH3 इक्विवेलेंट की टर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट लाइम और सोडा का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला, अपने पास जो वैल्यू है उसको CH3 इक्विवेलेंट की टर्म में वो हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी,
चलिए इतना देख लिया, अब सीधा अपन लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लाइम रिक्वायरमेंट निकालेंगे, उसके बाद सोडा रिक्वायरमेंट का। लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 72/100। उसके बाद टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस, टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस इसमें दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, कितना अपने पास 24.6। ठीक है, तो ये अपना टेम्परी टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस हो गया। ठीक है, उसके बाद टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस दिया हुआ है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है जो CH3 इक्विवेलेंट निकाली थी? 25। ठीक है, 2 × 25। ठीक है, उसके बाद क्या आता, थोड़ा सा अगर फॉर्मूले पे ही जाएँ। ठीक है, फॉर्मूले में क्या कह रहा है? सबसे पहले टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस जो अपना बायकार्बोनेट दिया था वो लिख लिया, टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस जो अपना मैग्नीशियम बायकार्बोनेट दिया था वो लिख लिया। ठीक है, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस में अपन का दिया है MgSO4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सारे सॉल्ट तो दिए नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यही चीज़ कर लेते हैं। उसके बाद परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस जिसमें दिया हुआ है MgSO4, बाकी नीचे की जो वैल्यू है वो अपन को नहीं नोट करनी है। ठीक है, तो ये 25। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 100% ऑफ प्योरिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 72/100, ठीक है, 24.6 प्लस 2 × 25 प्लस 25 × जो अपना वाटर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20,000 लीटर। ठीक है, 20,000 लीटर इंटू 100 अपॉन प्योरिटी कितनी दी हुई है इसकी, लाइम की प्योरिटी अपन को दिया हुआ है 84। ठीक है, तो 100 अपॉन 84। ठीक है, सिंपली अगर इसको थोड़ा सा अपन लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी अपनी, सेवेंटी टू अपॉन हंड्रेड इसका क्या आएगा, 99.69 mg/L। ठीक है, उसके बाद अपना 20,000, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 84। ठीक है, इतना चीज़ आपने लिख ली। अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 1756.442.857 mg। ठीक है, अभी ये इतनी बड़ी वैल्यू है मिलीग्राम में, तो इसको अगर किलोग्राम में करेंगे तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, किलोग्राम में कितना आएगा, 17.56 kg। ठीक है, इतना जो लाइम है वो रिक्वायर्ड है किसमें, लाइम रिक्वायर्ड है किसमें, वाटर को, जो अपना 20,000 लीटर जो वाटर है उसको सॉल्ट बनाने के लिए इतना लाइम जो है रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो लाइम रिक्वायरमेंट जो है वो अपन ने क्लियर कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं सोडा रिक्वायरमेंट। ठीक है, सोडा रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेंगे, सोडा रिक्वायरमेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है, 106/100। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला कह रहा है सिंपली उस टाइप की वैल्यू निकालने, जैसे परमानेंट कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन या एल्यूमिनियम, इसमें से अपन क्या दिया है, परमानेंट कैल्शियम दिया हुआ है, परमानेंट मैग्नीशियम दिया हुआ है, उसके बाद ये नीचे की कुछ वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो सिंपली जो अपना सोडा रिक्वायरमेंट है उसमें क्या करना है अपन को, परमानेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, परमानेंट कैल्शियम क्या होगा, परमानेंट कैल्शियम क्या है, ये रहा CaSO4, ठीक है, CaCl2 और अपना MgSO4। ठीक है, तो इनकी क्या क्या वैल्यू, 25 + 25 + 25। ठीक है, तो वही सिंपल वैल्यू अपन को लिख देनी है, 25 + 25 + 25। ठीक है, इतना करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 100% ऑफ प्योरिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाना आपको आ गया। ठीक है, सिंपली अब इसको क्या करेंगे, 100 अपॉन 6, ठीक है, उसके बाद 25 क्या होगा, 75। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है, 20,000 × 100 अपॉन प्योरिटी कितनी दी हुई है, सोडा की प्योरिटी 92%। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 92। ठीक है, सिंपली अगर इसको कैलकुलेट करेंगे अपन,
आपके पास कैलकुलेटर होगा, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपनी वैल्यू क्या निकल के आती है, 1728, ठीक है, 1728, 26.87 ये अपनी आएगी किसमें, मिलीग्राम में, ये अपनी किसमें निकल आई, मिलीग्राम में। अब इसको केजी में कर लेंगे, 17.28, ठीक है, ये अपनी किसमें निकल आई, केजी में, ठीक है। तो मतलब इतना जो है सोडा रिक्वायर्ड होगा, इतना सोडा रिक्वायर्ड होगा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो सोडा रिक्वायरमेंट, लाइम रिक्वायरमेंट किस तरह से निकालते हैं आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा सा रीड करना है, उसमें जो वैल्यूज़ दी है उसके सबसे पहले CO3 इक्विवेलेंट निकाल लेने हैं, CO3 इक्विवेलेंट में उसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही अपना CO3 इक्विवेलेंट हो जाएगा उसके बाद लाइम रिक्वायरमेंट निकालनी है, जो फॉर्मूला बताया था सिंपली फॉर्मूला लगा के सारी चीज़ें निकालेंगे, और अपना जो आएगा केजी में वो अपनी होगी लाइम, ठीक है। लाइम रिक्वायरमेंट मतलब इतना जो अपना 20,000 लीटर वाटर है उसमें अपनी लाइम कितनी रिक्वायर्ड होगी, 1.756 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर सोडा रिक्वायरमेंट की बात करें, सिंपली वही फार्मूला, ठीक है, 25 × 25 जो भी अपन ने देखा था, ठीक है, वाला फार्मूला इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100/प्योरिटी, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो 100/प्योरिटी डालेंगे। जो अपना निकल के आया केजी में कितना आया है, 1.728 किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है, सोडा रिक्वायरमेंट किस 20,000 लीटर वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना सोडा जो है रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इतना नोट कर लेना है, ठीक है, ये। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ये अपन ने करवा के रखा है, अभी यूनिट 2 चल रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अगर मेरा हो पाए तो लास्ट सेम तक होने से पहले मैं 3 से 4 यूनिट कंप्लीट कराने का ट्राई करूंगा। बाकी इंजीनियरिंग फिजिक्स ये अपना सचिन पढ़ा रहा है, ठीक है, 4th यूनिट इसमें कंप्लीट है, अपना 1st यूनिट अभी कुछ टाइम में डलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये इरफान भैया ने आपके लिए 4 यूनिट जो है कंप्लीट करा के रखी है, इन सारी जो प्लेलिस्ट है इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उसमें आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा अगर आपके पेड कोर्सेज जैसे M1, M2, EG और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कॉलेज में, प्रोफेसर अपन को समझा रहे हैं पर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, तो सिंपली आप क्या करना है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। ऐप जो कोर्सेज का प्राइस है वो है 799। आपको ज़रा सी भी दिक्कत आती है क्योंकि ऐसा यार M1 और M2 और EG ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक परेशान करेंगे, ठीक है, अगर इनमें बैक लग जाती है तो। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है चीज़ें क्लियर नहीं हो रही या अभी बैक भी है आपकी, तो आपको सिंपली ऐप चेकआउट करना है, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको लेके पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी अपना जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसकी भी यूनिट 1 जो है डल चुकी है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसका भी यूनिट 1 अपन का डल चुका है। अगर इस सारे चीज़ों से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप इन नंबर पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आज के लेक्चर आपको वर्थ इट लगा होगा, चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर हुई होगी। आपका जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है, अगर आपने वीडियो लेक्चर यहाँ तक देखा है और एंड तक देखा है, ठीक है। अगर आपने वीडियो लेक्चर एंड तक देखा है और आपको चीज़ अगर थोड़ी सी भी क्लियर हुई है या कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें सुधार सकता हूँ तो आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।